क्वेश्चन आपके पास आया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, इसी इसी का आंसर एक घंटे का दे सकता हूं मैं। इतना इतना, क्योंकि ये मेरा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर आपने मेरा यूट्यूब वीडियो भी देखा होगा, वाई एटोमी है ना, करेक्ट, वो ऑलमोस्ट वही सब्जेक्ट था। बट फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट फिर से बताना चाहूंगा आपको, हमारे साथ चैलेंज क्या था ना, हमारे नहीं, हमारे से मतलब हम इंडियन नेटवर्कर के साथ में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज था ना, हमारे करियर को लेकर सिक्योरिटी का। हमें यह पता नहीं होता था कि किसी कंपनी में आज हम बहुत अर्निंग कर रहे हैं तो कल अर्निंग कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, या कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी, है ना। या तो कंपनी नहीं रहती थी, या तो कंपनी में कुछ सेट वर्किंग हो जाती थी, कंपनी में कुछ चैलेंज हो जाता था, कुछ भी हो जाता था। आप देखते हैं, दो चार साल पांच साल फिर वापस जीरो, दो चार साल पांच साल फिर वापस जीरो। ये पिछले 15-20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूं मैक्सिमम नेटवर्कर्स के साथ, राइट। तो जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था टाइम, मैं बहुत टाइम से एक सर्चिंग में लगा हुआ था कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां इनकम के साथ साथ स्टेबिलिटी, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर था, स्टेबिलिटी। मुझे स्टेबिलिटी चाहिए थी, और मुझे एक भी कंपनी ऐसी दिखाई नहीं दे रही थी इंडिया के अंदर कि जहां मुझे स्टेबल करियर दिखाई दे। जो कुछ इंडियन कंपनियां हैं जो कुछ सालों से काफी टाइम से चल रही हैं, लेकिन वहां अगर आप देखोगे तो सेट वर्किंग है, बड़े लीडर्स को खरीद खरीद के ऊपर बिठा दिया जाता है, करेक्ट, नीचे वाला बेचारा नीचे ही रगड़ रहा है। दूसरा, उन कंपनियों के प्लान डिस्ट्रीब्यूशन, आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखो, कई साल हो गए हैं, 1-2 करोड़ तक एक आदमी पहुंच रहा है। अगर आपको किसी कंपनी का प्लान समझना है, इन शॉर्ट में अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि अगर कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी का प्लान सबसे बेहतर, तो आप सिर्फ सिंपल फंडा है, आप ये समझ लीजिए, देख लीजिए इसका ट्रैक रिकॉर्ड, देखिए कितने जो टॉप रैंक पर कितने अचीवर हैं। यस, क्योंकि कई कंपनियों में लॉलीपॉप दिया जाता है कि हमारे टॉप पर जाओगे तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढमका। में आज 10-10 साल हो गए कई कंपनियों का, आज तक एक भी आदमी टॉप पर नहीं पहुंचा। तो प्लान तो बड़ा अच्छा है दिखने में, लेकिन प्रैक्टिकल में वो प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। मैं ऐसी कई कंपनी को जानता हूं। एक कंपनी में भी कर रहा था, उसमें काफी अच्छी अर्निंग किया, लेकिन उसकी टॉप 3 रैंक पर आज तक 9 साल में कोई नहीं पहुंच पाया। कुछ कंपनियां हैं जिसमें 15 साल से ऊपर हो गए हैं, जिसमें टॉप पर एक ही आदमी पहुंच पाया। लेकिन मैंने जब इस प्लान को देखा तो इस प्लान में मैंने देखा कि 10 साल में 6 लोग टॉप पर पहुंच गए, ये बहुत बड़ा रेशियो है। और अंडर प्रोसेस काफी सारे लोग हैं इसी साल, और उस कंडीशन में जबकि इंडिया और चाइना जैसे कंट्री में लॉन्च नहीं हुआ है, तो यह हालत है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन में अभी आया ही नहीं था ये बिजनेस, तो इतने सक्सेस रेशियो है। तो आप सोचिए, मैं इसको विजुलाइज कर रहा हूं आने वाले 1 साल में टॉप 5 में इंडिया और चाइना के आने के बाद। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इनफैक्ट जो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मुझे है कि वर्ल्ड ग्लोबल पॉपुलेशन का 36% जो पॉपुलेशन है, जो एग्जैक्टली आपको गूगल पे भी हर जगह पे मिल जाएगा, वो 36% है। और ग्लोबल टर्नओवर, जब पॉपुलेशन की बात करते हैं, 36% जब इंडिया चाइना में है, और इससे पहले जितनी भी कंपनी के, जितनी कंट्री के अंदर कंपनी लॉन्च हुई, उसके बाद आप कह रहे हो कि 6 लोगों ने टॉप रैंक को अचीव किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने भी इतना रिसर्च किया, मैंने देखा कि चाहे कोई भी नाम लेना सही नहीं रहेगा, कोई भी कंपनी के अंदर जो टॉप अचीवर्स हैं वो नंबर्स बहुत कम है। ये आपने बहुत एग्जैक्ट पॉइंट बताया है, राइट। और ये इतना इन्फॉर्मेशन, इतना इन्फॉर्मेटिव है लोगों के लिए, ये इन्फॉर्मेशन सबके पास नहीं है आज के डेट में। ये जो अभी आपने जो बताया टॉप रैंकर्स हैं, इनके बारे में लोगों को पता नहीं है। लोग इमीडिएटली किसी बिजनेस को साइन कर लेते हैं और बिना सोचे समझे 1 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना 1 साल निकाल देते हैं, उनके बाद जाकर प्रॉब्लम क्या हो रहा है राकेश जी, पता है आपको प्रॉब्लम क्या होता है? कुछ टॉप अचीवर्स के चेक देख देख के लोग ज्वाइन कर लेते हैं, पॉइंट है। वो स्टडी भी नहीं करते हैं कि वो टॉप पर पहुंच गया, तू पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, और उसको कितना टाइम लोग पहुंचे। आप उसके लिए ही काम करते रहते हो जिंदगी भर, और टॉप अर्नर के चेक दिखा दिखा देते हैं कि हमारे फलाने अप्लाई नहीं, तेरा कितना बना। इंपॉर्टेंट तो वो है ना, यहां प्रॉब्लम आ रहा है और लोग स्टडी नहीं कर पाते। मैं राकेश जी एक चीज बताता हूं, मैं चैलेंज करता हूं हर बार किसी भी कंपनी का टॉप लीडर आ जाए, 1-to-1 डिस्कस कर सकता है मेरे एटॉमी के प्लान के 1 पॉइंट से भी अगर मैच कर जाता है ना उसका प्लान, मैं अपनी टीम के साथ उसकी कंपनी में जाने को तैयार हूं। चैलेंज के साथ एक पॉइंट भी मैच नहीं कर सकता, एक पॉइंट पर भी। कितने पॉइंट गिनाऊं मैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की, मैं ग्लोबल टर्न, मैं सिंगल आईडी ग्लोबल
है ना, ग्लोबल आईडी, सिंगल आईडी पर आप पूरा ग्लोबल बिजनेस कर रहे हो, ये दुनिया में कितनी कंपनी में पॉसिबल है सर बताओ? इसका मतलब क्या है, मेरी जो इंडिया, आपने बोला 36% पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में है, yes. लेकिन ग्लोबल आईडी होने की वजह से अब मेरा जो वो दायरा भी खत्म हो गया. मैं ऑलमोस्ट अगर अमेरिका वगैरह इन सबको इंक्लूड कर लूं तो 50% पॉपुलेशन में पहुंच गया हूं ग्लोबल आईडी की वजह से. Correct. पहुंच गया नहीं पहुंच गया? यस यस यस. तो आपका दायरा मतलब वो 36 से भी बाहर हो गया. दैट इज द पावर ऑफ ग्लोबल बिजनेस. ये अपॉर्चुनिटी कहां मिलती है? कौन सी कंपनी में आपको मंथली परचेस का फाउंडेशन नहीं है? कौन सी कंपनी है? जैसे जैसे रैंक बढ़ाती जाती कंपनियां मंथली परचेस का फाउंडेशन आपको देने शुरू कर देती. या साला आप इंपीरियल मास्टर भी चले जाओगे तो आपको मंथली परचेसिंग का फाउंडेशन नहीं है. फाउंडेशन बताओ, मैं तो कहीं पे ऐसा नहीं देखता हूं. राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट. आपका जो प्लान डिस्ट्रीब्यूशन देखिए राकेश जी, मैं इसको बोलता हूं फेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान. फेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, ये इसको लोग स्टडी ही नहीं करते. वो सिंपल देख लेते हैं कि यार 3 लाख पे 1300 ही मिलता है. मतलब वो उसकी सोच देखिए कहां जा रही है. तो क्या 1300 रुपए कमाने आया यार? इंपीरियल मास्टर पे क्या मिलता है ये नहीं सोचता है. पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग ये नहीं देख पाते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लान किस तरह से डिजाइन किया गया. आप देखिए नीचे, आप देखिए मैं आपको बताता हूं कि 10 साल में अभी शायद कितने लोगों ने इस बात को गौर किया होगा, मुझे नहीं पता. 10 साल में MLM के टॉप अर्नर्स में एटॉमी के किसी बंदे का नाम नहीं है. बिल्कुल. ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? इसको नेगेटिव बना के कई लोग आपको परोस सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं इससे जरा पॉजिटिव चीज नहीं हो सकती, बिकॉज ऑफ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान. फेयर डिस्ट्रीब्यूशन टॉप, हमारे टॉप रैंक पर 6 लोग पहुंच गए, लेकिन वर्ल्ड के टॉप अर्नर्स में नहीं. क्योंकि हमारे यहाँ क्या कर दिया उसने कंपनी ने, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इन्होंने क्या किया, आप देखो निचले रैंक पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है. आप देखो सेल्स मास्टर में 10% 20 में से 10% तो सेल्स मास्टर में ही बांट देता है, फिर धीरे 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 ऊपर कम होता जाता है. इससे प्लस पॉइंट क्या होता है, अगर किसी टीम में किसी बिजनेस प्लान में नीचे वालों को इनकम ज्यादा आएगा तो आप ऊपर वाला जो बंदा है वो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी. स्टेबिलिटी बढ़ेगी, करेक्ट. वो रेगुलर, भाई नीचे वाला इनकम नहीं कमाएगा तो आप कितने दिन कमा लोगे? थोड़े दिन बाद आपका बिजनेस तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. तो कई कंपनियों में एक आदमी तो हेलीकॉप्टर खरीद ले रहा है, आइलैंड खरीद रहा है फलाना, और बाकी लोग 20-25 हजार रुपए पर वो मोटरसाइकिल पर घूम रहे. तो हाइएस्ट रनर की गिनती में तो उसका बंदा आ गया, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ग्राउंड पर लोग नीचे मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं. तो ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ. हमारी कंपनी ने क्या प्लान किया कि ऊपर इंपीरियल मास्टर भी जाएगा तो 1 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा नहीं कमाएगा. 1 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा नहीं कमाएगा तो 1 करोड़ रुपए महीने में भी वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की गिनती में आ जाएगा. करेक्ट, राइट. लेकिन कुछ लोग करोड़ों रुपए की इनकम कमा लें, इसके बजाय कंपनी का मोटो क्या है कि बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमाएं. ये चीज को समझना बहुत जरूरी है. जो लोग सोचते हैं कि यार ये इनकम इसमें इतने अर्नर, कुछ भी मतलब आंकड़ा देख के आप, लेकिन अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते. बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर जिसकी वजह से एटॉमी का कोई कंपटीशन नहीं. और ये बिल्कुल फैक्ट कह रहे हो सर आप, क्योंकि मैं जितना अभी मार्केट में कई लोगों से मिलता हूँ, कई जगह पे हमारी मीटिंग्स होती हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनीज हैं वहाँ पे जो उनके मार्केटिंग हेड वगैरह होते हैं उनसे भी मेरी बात होती है, तो कहीं ना कहीं एक थ्रेट तो उनके दिमाग में आ चुका है. ये बाजार में दिख नहीं रहा अभी, लेकिन जो बाकी कंपनी जो ऑलरेडी मल्टीनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो, राइट, वो सब में कहीं ना कहीं थ्रेट आया हुआ है कि एक लोगों को नहीं मालूम है अभी एटमी के बारे में, लेकिन उनके जो मैनेजमेंट के लोगों को बहुत कुछ खबर है एटमी कब लॉन्च हो रही है, क्या प्रोडक्ट लेके आ रही है, कितने प्रोडक्ट ले, सारी इन्फॉर्मेशन है, और वो लोग उसके अकॉर्डिंग प्लान भी चेंज कर रहे हैं. हमसे ज्यादा टेंशन हमारे विरोधियों को है कि कब कंपनी लॉन्च होगी. यस. और ये इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने कुछ लोगों से बात किया तो वहां पे ये खबर निकल के आ गई कि मतलब हम लोग को फॉलो किया जा रहा है, एटमी को लोग फॉलो कर रहे हैं, जितने भी आपके मल्टीनेशनल कंपनी है वो फॉलो कर रहे हैं कि इनके पास कॉस्मेटिक का कौन सा रेंज है, और इनके पास हेल्थ केयर का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं क्या, या फिर अगर होम केयर के प्रोडक्ट है तो कौन कौन से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं. ये सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके अपने पास रख रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ऑफर भी प्लान कर रहे हैं कि हमें आने टाइम में कंपनी लॉन्च होगी तो हम लोग ऑफर निकालेंगे. तो ये सब चीज़ें जो है मुझे मालूम चला है, कुछ लोगों से मैंने बात बात होती रहती, तो ये चीज़ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई.
राइट right. और ये बिल्कुल है एक, और वो आपका एनकाउंटर करने के लिए, वो आपका एनकाउंटर करने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट पर आ सकता है, बताइए क्या, आप बताइए जरा। वो सिर्फ एक ही बात पर आपका, आपके आपके बंदों को अप्रोच कर सकते हैं कि तेरे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मार्केट में चलेंगे। हाँ, एक ही बात है। एक ही बात पर आपके बंदों को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसका मेरे पास बहुत बेहतरीन आंसर है, अगर आप अपन बीच में इंटरव्यू में टाइम होगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा।